अब हम चले ठाकुर परहार, अब हम चले ठाकुर परहार, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार ऐसा सिमरण, राख प्रभु भावे मार स्वामी का ग्रह क्यों तज, स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वर्ण तजत नहीं नित, ऐसा सिमरो नित, स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वर्ण तजत नहीं नित, नानक ए विजय हर भजन ऐसा सिमरो नित, नानक ए विजय हर भजन एक मन होए एक चित ऐसा सिमरो नित, जे सुख दे ता तुझे आराधे, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई ऐसा सिमरो नित, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा ऐसा सिमरो नित, जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई ऐसा सिमरो नित, दुख विच सुख मनाई जे पास बहाले, जे पास बहाले ता तुझे आराधी, जे मार कढे भी ध्याई सिमरो नित, तेरे हुक्म च जीवन गुजारा, मेरी तेरे कोलों कोई मंग नहीं, जे किसे लोड़ मंग पिछे मैं तेरे नाल जुड़ा, ते खुद गर्जी है कबीर, काम परे जो सिमरी है, जे किसे काम नाल किसे लोड़ नाल किसे खुदगर्जी नाल किसे मतलब नाल मैं तेरे नाल जुड़ा, तेनू त्यावा तेरा सिमरन करा, ता उसनु भगती उसनु सिमरन नहीं आखदे, सतगुरु ने बाणी विच आखिया मैं ते तेनू हुक्म विच रहन दी आदत पाना चाहना, आ मालिक दे हुक्म विच जेव तुम राखो तेवे ही रहना, जो तुम कहो सोई मोए करना, इस तरह हुक्म विच रहन दे, खुद गर्जी त्याग के प्रभु नाल सच्चा प्यार करन दी तरतीब सतगुरु बख्शिश कर दे ने, बाबा कबीर जी दी रचना तो भी एहो गल आ रहा है, पर मैं अज दे संसार नूं की देखना, ऐसा सुभा अज दे मनुख विच नहीं है, सतगुरु ने बाणी विच भी आख लिया अज ते सारे रिश्ते
सारे प्यार सारे संबंध दिखावे दे संबंध केवल मतलब लई अपनी खुद गर्जी लई पैदा हो गए ने। सतगुरु ने बाणी विच आख्या कहन लगे जे संसारे के कुटुंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। अपने कम्मा लई अपने लोड़ लई तेरे नेड़े टुकदे ने। सतगुरु कहंदे ने जित दिन उनका स्वाय होए ना आवे जिस दिन उसदे काम तेरे तक तेरे राही पूरे ना होन उनकी गर्ज पूरी ना होवे उस दिन तू तेरे नेड़े बहना भी पसंद नहीं करदा। अज दे मनुख दी ये हालत है जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे तित दिन नेड़े को ना ढुकासा। अज दा मनुख ता गुरु नाल रब नाल भी मतलब दी सांझ रखता है। मत समझो अज गुरुद्वारे मसीतां मंदिर ज्यादा हो गए ने इस दा मतलब ए नहीं कि मनुख दा रब नाल प्यार ज्यादा हो गया है। अगे कदी वक्त सी कई कई कोहां ते किसी किसी नगर विच गुरु अस्थान हुंदा सी लोग पैदल तुर के उत्थे कई कई मील दा सफर करके जांदे सन। जदों पुरब मनांदे सन किसे किसे नगर विच तां लोग दूर दुराडे तो एकत्र हुंदे सन। ना एने पढ़े लिखे ग्रंथी ना एने विद्वान ना एने गुरुद्वारे। अज गली गली जे गुरुद्वारा है महल्ले महल्ले नगर नगर विच जे गुरुद्वारे मसीतां मंदिर धर्म स्थान ने तां उहदा मतलब ये ना समझी ते लोगां दा रब नाल गुरु नाल प्यार ज्यादा हो गया। असल विच ए गल नहीं मनुख दियां लोड़ां इन्नियां वध गईयां ने मनुख दियां गरजां इन्नियां वध उदों सिंपल जिंदगी सी बहुतियां लोड़ां नहीं सन। अज लोड़ां दा इन्ना वड्डा भार है दिमाग ते विचारां ते कि मनुख कोई दुकान छेती ते नेड़े चाहुंदा है जिथों जाके छेती ते नेड़े मैनू अपनी मर्जी दे खुदगर्जी पूरी करन ले कोई सौदा नसीब हो जाए। जदों उसनू पता लगदा है कि किसी धर्म स्थान ते अरदास कीते हो किसी गुरुद्वारे मंदिर विच अरदास कीते हो कुछ मिल जांदा है तां उह कहिंदा फिर मंदिर भी मेरे नेड़े ही होना चाहिए छेती दुकान ते पुज जावां। असल विच मनुख नूं रब नाल सांझ पैरा करन दी प्रेरणा भी मनुख उहदे अपने खुदगर्जियां लोड़ां विचों पैदा हो गई है। बल्कि मैं हुण कि तां कई वार वेखना मनुख समझदा भी मैं कुछ दस भी डालर किसी गोलक विच पा दिया ते अपने कम्मां दी लिस्ट ग्रंथी नूं आख के रब अगे टिका दिया इउं अरदासां हो रहियां। बल्कि वड्डियां दुकानां वालियां ने तो अज दे समय अंदर नौ ऑनलाइन काम शुरू कर दिता है कि तुसी ऑनलाइन माया भेजो तुहाडे नाम की अरदास हो जाएगी रब अगे। इउं मनु धर्म भी रब नाल स्नेह रब नाल निउ जिहड़ा है वह भी एक एक दुकान बन गया है। सतगुरु ने बाणी अंदर बार बार एक गल समझाई सी कि आखदे सन जे राज दें तो कमन बढ़ाई सिमरन है की प्रभु दे नाल प्यार उनका स्वरूप की है। सतगुरु कहते ने जे राज दे ता कमन बढ़ाई जे भीख मंगावे ता क्या घट जाई। राज ना चाहो मुकत ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे जे मेरे कुल सारे दुनिया दे सुख होन मैनू किसी चीज की थोड़ ना हो मैं तेरे नाल फिर भी जुड़िया रहा क्योंकि मैं तेरे नाल जुड़ना अपनियां लोड़ां ते निर्भर नहीं करदा। सतगुरु ने आप दिता कहन लगे नदियां होवे देनवा जिन्हियां नदियां ने मेरे लिए गुआं बन जान जिन्ने चश्मे ने वह दुध घ्यो दे वगन लग पैन जिन्नी धरती है वह शक्कर बन जाए इत्थे बस नहीं जिन्ने पर्वत पहाड़ ने वह सोने दे चांदी दे हो जान ते उन्दे विच जिन्ने पत्थर पै ने मानो हीरे मानक पारस बन जान रतन हो जान। एने पदार्थ जे मेरे कोल आ जान
ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਨਵਾ ਸੁੰਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਗਈਓ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪਰਬਤ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੁੜਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹਣਾ ਮੇਰਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਲਾਹਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਹੁਣ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਾਮ ਪਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰੀਏ ਕਾਮ ਪਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰੀਏ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਕਾਮ ਪਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰੀਏ ਕਾਮ ਪਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰੀਏ ਕਾਮ ਪਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰੀਏ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ 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 ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਬਣੇ ਪਿਆਰ ਬਣੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ